गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन योर क्लास। दिस इज योर इंग्लिश ओशन बुक एंड वी आर ऑन आवर सेकेंड चैप्टर द नॉटी डॉग। तो बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ नॉटी डॉग। और इसके में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और इसके वर्ड मीनिंग भी कर लिए हैं, बुक एक्सरसाइज भी कर ली है। और बुक एक्सरसाइज के जो आंसर है, इनकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप अपनी बुक से, अपनी उससे बुक से करेक्शन कर लेना। तो टुडे वी डू आवर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। और इसके लिए यू हैव टू ओपन योर नोटबुक। तो अब बच्चों, सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जैसा उसमें मैंने अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर रखा है, वैसे ही आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन नोट करिए। तो ये है हमारा फर्स्ट मेंशन चैप्टर्स नेम, देन क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप्स। और क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हु हैज अ पेट डॉग। किसके पास पेट डॉग था? मिस्टर जॉन्स हैड अ पेट डॉग। सेकंड है, हु गिव्स हाफ ऑफ हिज केक टू द डॉग। तो अपना जो आधा केक है वो डॉग को कौन देता था? तो मिस्टर जॉन्स गिव हाफ ऑफ हिज केक टू हिज डॉग। तो मिस्टर जॉन्स अपना आधा केक जो है वो डॉग को दे देते थे। डज मिस्टर जॉन्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मिस्टर जॉन्स सुबह जल्दी उठते थे? नो, मिस्टर जॉन्स डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं, मिस्टर जॉन्स सुबह जल्दी नहीं उठते थे। क्वेश्चन फोर, वेयर डज द ओल्ड मैन गो विद हिज डॉग। तो ओल्ड मैन जो थे वो अपने डॉग के साथ कहाँ जाते थे? द ओल्ड मैन गोज टू कॉफी हाउस विद हिज डॉग। तो ओल्ड मैन जो थे वो अपने डॉग के साथ कॉफी हाउस जाते थे। क्वेश्चन फाइव, वेयर डिड मिस्टर जॉन्स स्टैंड एंड वॉश द डॉग। जो मिस्टर जॉन्स है, कहाँ खड़े होकर अपने डॉग को देखते थे? क्या देखते हैं, कहाँ देखते थे? तो मिस्टर जॉन स्टूड नियर द डोर एंड वॉश द डॉग। और जो मिस्टर जॉन्स थे वो गेट के पास खड़े हो जाते थे एंड वॉश द डॉग, और अपने डॉग को देखते थे। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। और अपनी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर के लिए यू हैव टू सी योर नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए, कल तक के लिए बेटा, गुड बाय।